चल रही है. बेसिकली अपने नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके बाकी कंपोनेंट्स कंप्लीट करने हैं. फॉर एग्जांपल आईज एंड व्हाट वी कॉल द जॉ. ठीक है, अब जॉ बनाने के लिए बेसिकली अगेन मैं मॉडलिंग के लेक्चर में नहीं जाना चाह रहा, लेट्स डू अ वेरी क्विक क्विक. सो मेरे पास उसे खैर एक और चैलेंज भी काम करना है, थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, डोंट सेव दिस वन. रिमेंबर हमने कैरेक्टर ये इम्पोर्ट किया था, तो आई एम अज्यूमिंग कि इस बेचारे के पास भी मुंह के जॉ मौजूद होगी. बहुत आला, इफ आई ओपन आउटलाइनर ये टीथ है एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल वन तो ये आइसोलेट सेलेक्ट हो जाएगा एंड आई कैन सी कि टीथ्स आर वेरी नाइस. ठीक, कंट्रोल वन अगेन कैरेक्टर वापस आ जाएगा और अगर मैं जबान पे कंट्रोल वन करूँ तो आई हैव जबान एज वेल एज द टीथ. ठीक, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको वहाँ पे यूज कर लेते हैं. सो वेरी क्विकली व्हाट आई विल डू इज के फाइल एक्सपोर्ट सेलेक्शन ऑप्शन बॉक्स एडिट रीसेट सेटिंग्स लेट इट बी माया बाइनरी फाइल हिस्ट्री चैनल नहीं कुछ भी नहीं चाहिए सवाए टेक्सचर इन्फो के. ठीक है, एंड क्लिक ऑन एक्सपोर्ट. इसी ऑप्शन बॉक्स में यहाँ पे कैरेक्टर्स में रहते हुए हम कैरेक्टर्स में रख सकते हैं या बिकॉज ये एक्स्ट्रा प्रॉप्स हैं या एडिट्स हैं तो यू कैन यूज दीज एडिशनल फाइल्स इन दूसरे फोल्डर्स ताकि हमारे कैरेक्टर्स के फोल्डर में सिर्फ कैरेक्टर्स पड़े हुए. तो आई कैन गो इन टू फॉर एग्जाम्पल एडिट्स क्योंकि हम एडिटिंग ही कर रहे हैं तो मैं टी डबल टी एंड टी ओ एन जी वेटा. ठीक है, टीथ एंड टंग हमारे पास अलग हो गए. कंट्रोल वन अगेन एंड एट द सेम टाइम मेरे पास मेरे भाई की दो खूबसूरत आँखें भी मौजूद हैं जिसके ऊपर भी दिल फिदा है. इफ़ आई कंट्रोल वन दीज टू थिंग्स अगेन तो आई एम अज्यूमिंग कि यार ये भी बड़ी अच्छी मेरे पास बनी बनाई मौजूद है तो कौन मेहनत करे. ठीक, तो इसको भी वही करते हैं, फाइल एक्सपोर्ट सेलेक्शन. एक्सपोर्ट सेलेक्शन क्या करेगा, जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है सिर्फ उसी को एक्सपोर्ट करेगा. तो इन दोनों को मैंने किया हुआ सेलेक्ट साइज को और एडिट रीसेट सेटिंग्स नहीं करते हैं. बाइनरी प्रिजर्व रेफरेंस ठीक इंक्लूड मैंने हटा दिया चैनल में कुछ ना इस टेक्सचर इंफो चाहिए हमें और इसको भी फिर वापस यहीं पे लाके एडिट सीन्स के अंदर ही सीन्स फोल्डर के अंदर मेरे पास एडिट्स एडिट्स के अंदर हमारे पास ई वाई ई एस आईज आ गई एंड दैट्स परफेक्ट. ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक इन टू फाइल ओपन एंड लेट मी गो बैक इन माई सीन्स कैरेक्टर और मॉन्स्टर. इस भाई को हम वापस ओपन कर लेते हैं, डोंट सेव दिस थिंग. ठीक है, और यहाँ पे जाके फाइल इंपोर्ट वेरी सिंपल और इंपोर्ट में जाके हम कह देंगे भाईजान मेरे पास जो था लेट्स गो बैक एडिट्स. सबसे पहले टीथ एंड टंग, तो आई शुड हैव माय टीथ एंड टंग समवेयर. कहाँ गया भाईजान, इधर टीथ प्रेस एफ तो एक्चुअली ज्योमेट्री के अंदर. इफ आई प्रेस फोर देयर वी गो. ठीक है, तो टीथ एंड टंग दोनों आ गए. सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि लेट मी रीनेम दिस डबल एफ, इसको हम कह दिया टी डबल ई टी एच टीथ एम ओ एन एस मॉन्स्टर. ठीक है, और ये आ जाएगा टी ओ एन जी यू ए टंग एम ओ एन एस टी आर मॉन्स्टर. दोनों को हमने किया सेलेक्ट और मॉडिफाई सेंटर पिवट ताकि पिवट पॉइंट सेंटर में आ जाए. आई एम अज्यूमिंग ये दोनों लॉक किए हुए हैं तो इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनलॉक सेलेक्टेड. ये जुगाड़ है ऑब्वियसली, क्या होता है कि जब आप काम करते हो बहुत सारे आपके पास डेटाबेस बन जाती है तो सब मॉडल्स की, तो हम सब हर चीज़ बार बार मॉडल नहीं करते, कुछ चीज़ें रिविजिट दोबारा करते रहते हैं. तो मेरे पास टीथ ऑलरेडी पड़े थे लेकिन क्योंकि हम कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं उसमें टीथ और ये चीज़ें ऑलरेडी आ गई तो लेट्स जस्ट रीयूज इट. बजाय कि हम दो घंटे ज़ाय करें दोबारा इसको मॉडल करने पर, और आजकल टाइम बहुत कम रह गया है और वो कहता है कि फास्टली सब चीज़ हो जाए हमारे पास. ठीक है ना, तो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन. तो ट्राई टू बिल्ड योर ओन एसेट्स लाइब्रेरी, इसमें सब चीज़ें अलग अलग पड़ी हैं और एक एसेट्स के फोल्डर में हो, जैसे टीथ हो गया, टंग हो गया, हेयर हो गया, बातें हो गई, नेल्स वगैरह हो गई, हम उनको रिविजिट करके इंपोर्ट करते रहते हैं. ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई थी यहाँ पे. अगेन आई विल जस्ट हिट जीरो फॉर देम वापस, सॉरी डिफॉल्ट पे कंट्रोल जी प्रेस करके हमने इनको ग्रुप कर दिया. क्या हो गया, पर्सपेक्टिव कंट्रोल जी एंड इसको नाम दे देते हैं टी डबल ई टी एम टी ओ एन जी ओ टंग. टीथ एंड टंग हमारे पास ग्रुप आ गया. अगेन मॉडिफाई सेंटर पिवट डब्ल्यू एंड आई विल ब्रिंग दिस टू थिंग्स टुगेदर. ठीक है, फाइव राइट क्लिक. अच्छा अब आ जाते हैं, नहीं ये हमारे पास टीथ एंड टंग आ गया. ऑब्वियसली बड़ा किया जॉ को और बड़ा किया एंड डब्ल्यू इधर रोटेशन में इस थोड़ा सा इधर इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी है कुछ इस तरीके से क्योंकि मुंह इसका थोड़ा ऊपर की तरफ आ था, कैरेक्टर का थोड़ा नीचे की तरफ था तो इसको ऊपर के हिसाब से हम जो है एडजस्ट करते हैं. एंड लेट मी ओपन इट साइज अ लिटिल बिट अगेन क्योंकि मॉन्स्टर है तो उस हिसाब से इसके टीथ होने चाहिए.
एंड देन वी कैन डू अ जूम. लेकिन अब जैसे हम इसको यहाँ से स्केल करेंगे तो देखो फट के ख़राब होगा ना. इसकी एक और ट्रिक है जो मैं फिर यूज़ करता हूँ. चलें ठीक है डन. आई थिंक टंग जो है उसको भी इसी तरह से फिर हम एडजस्ट कर लेंगे. फिलहाल मेरे पास ये चीज़ें आ गई. उसके बाद जो है व्हाट वी कैन डू इज व्हाट वी कैन डू कि एक तो सिंपल स्केल था जैसे हमने वर्टिकली कहा. वर्टिकली करेंगे तो टांग जिसके हमें आएंगे तो नज़र पर मज़ा नहीं कर रहे राइट. बहुत बड़े बड़े और अजीब से हमें नज़र आते हैं. तो बेसिकली इट इज़ सपोज टू बी मॉडल्ड अकॉर्डिंगली लेकिन ये मॉडल्ड अभी हुआ नहीं हुआ ना. तो अभी इसको सेलेक्ट किया फिर आई एम अज्यूमिंग होपफुली कि ये सारा जो था वो इस तरह होगा. तो मैश इसको अगर हम सेपरेट कर दें ठीक है तो होपफुली बिकॉज हमने ग्रुप किया हुआ था सी तो एवरीथिंग शुड बी इनसाइड दिस ग्रुप. तो एक ग्रुप में आ जाएगा हमारे पास. हमने क्या किया था मैश में जाके इसको सेपरेट किया. सेपरेट करने से ये हुआ कि एक एक दांत एक एक दाढ़ हमारे पास अलग आ गए. तो सबसे पहले लेट मी करेक्ट दिस दाढ़ थिंग ठीक है. अब इसको करने के दो तीन तरीके हैं. फर्स्ट मैं आ जाऊँगा फ्रंट व्यू में एफ एंड राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स एंड लेट्स जस्ट गो मेक श्योर डब्ल्यू डबल क्लिक एंड हमने सिमेट्री को वापस एक्स में ऑन कर देते हैं. सॉरी नॉट वाई एक्स में ताकि इफ़ आई सेलेक्ट राइट तो ये लेफ्ट में भी मेरे पास उसी हिसाब से एडजस्ट होती जाए. यस एस बी जो अब मुझे मैन्युअली इसकी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक है. वी कैन ऑल्सो यूज सॉफ्ट सेलेक्शन हेयर ताकि जिस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना हो हमारे पास. इफ़ यू टर्न दिस ऑन 3 या मे बी फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 4 तक हम इसको कर लेते हैं एडजस्ट. देन लेट्स जस्ट सेलेक्ट द फर्स्ट हाफ और इसको थोड़ा सा हम खोल देंगे. इसी तरह से फिर बेसिकली श्रिंक सेलेक्शन और हम थोड़ा सा समझो वर्टेक्स को मैन्युअली मूव करते जाके एडजस्ट करते जाएंगे ताकि एक स्केलिंग सी हमें नज़र ना आए और एक नॉर्मल पैटर्न के तहत जो था वो वर्टेक्स थोड़े से हमें स्ट्रेच नज़र आने शुरू हो जाए राइट. ताकि हियर वी गो इसी तरह से ग्रो वापस मे बी थोड़ा सा और इधर ये सेंटर वाले को सेंटर पे रखते हैं. दिस लेट्स सेलेक्ट दिस वन एंड इसको थोड़ा सा इधर ग्रो सिलेक्शन एंड थोड़ा सा और इधर ठीक है. आई गेस ये मुंह के सेंटर पे नहीं है शायद इस वजह से. सही भी हो रहा है नहीं हो रहा ना बनी बात. Control Z और मेरा भाई Control Z ठीक. सो बेसिकली ये आइडिया मज़ा नहीं किया कभी कभी चोरी करने में ज़रा मारत हो जाती है. चले लेट्स डू दैट अगेन. सो इफ आई सेलेक्ट दिस बेसिकली ये स्ट्रेच क्यों हो रहा है. अच्छा मे बी सॉफ्ट सिलेक्शन की हो रहा है. Or decrease this. Now if I go into my front view, press 4. I'm sorry. Allah Akbar. ये नहीं भाई. 5. इसको select करना था object mode. इसको right click, control vertex. And front view, press 4, done. ठीक मुझे basically यहाँ से ये vertex select करने थोड़ा सा इसको ये stretch हो रहा है and then shrink. अच्छा क्योंकि हम shrink कर रहे थे तो वो control Z कोनों को भी shrink कर रहा था तो सीधे ये जो stretching effect था उसे ऐसा रहा. ठीक है ठीक अगेन बेसिकली मैंने शुरू में क्या किया था कि पूरे वर्टेक्स को सेलेक्ट किया था और फिर हम श्रिंक कर रहे थे. जब श्रिंक कर रहे थे तो देखो किनारियां भी आपकी रह गई ना. तो क्योंकि वो श्रिंक का मतलब कि पहले 4 सेलेक्ट थी तो फिर एक को करो इर्द गिर्द के चारों को डिसलेक्ट कर दो तो इर्द गिर्द की सारी वर्टेक्स डिसलेक्ट हो रही थी तो उसकी वजह से शेप थोड़ा सा हमारा बिगड़ रहा था. तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें वी हैव टू मेक श्योर कि श्रिंक करने के बाद जो है फोर
ठीक है, अगेन आई हैव टू मेक श्योर कि कंट्रोल शिफ्ट दबाते हुए हम जो किनारियों वाले वर्टेक्स थे उनको वापस सेलेक्ट कर दें, ठीक है, सच एज दिस दिस। कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो बेसिकली ऑल पिक्सल्स गेट सेलेक्टेड। इसी तरह से फिर इनको थोड़ा सा और स्प्रेड किया, देन अगेन श्रिंक सिलेक्शन एंड लेट्स जस्ट सेलेक्ट द कॉर्नर पिक्सल्स अगेन। कंट्रोल शिफ्ट दबा गए, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये भी सेलेक्टेड हो हमारे पास। ठीक 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 एंड आई डोंट नो, इसको थोड़ा और खोल दिया हमने। इफ आई प्रेस 5 सीरीज तब ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो पा रहा या नहीं हो रहा, थैंक यू गॉड। थोड़ी एक तरीका ये था सम हाउ उसको सेट करने का, बट स्टिल इट्स क्रिएटिंग अ स्ट्रेच सीरीज, तो ये बात फिर मजे वाली नहीं बढ़ी। डम 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 ऑब्जेक्ट मोड, अच्छा इसका मतलब फिर इसको अगर हम स्केल कर दें, मॉडिफाई सेंटर पिवट, ठीक है ये चीज हो रही है, सीधे यहां से पिक्सल्स इसके पूरे डिस्टॉर्ब हो रहे हैं, वो मैं एक्चुअली नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो अगर मैं इस तरह से भी करूं, बात नहीं बनी। एक और आखिरी जुगाड़ जो है वो हम करते हैं, आखिरी जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ तो बहुत सारे माया में, लेट मी ट्राई लेटाइस, ठीक, ऑप्शंस, एडिट रीसेट सेटिंग्स, क्रिएट, इस ज्योमेट्री के गिर मैंने लेटाइस क्रिएट कर दिया, एंड लेट मी गो इनटू लेटाइस डिवीजन, लेट मी ऐड 3-4 समथिंग लाइक दैट, एंड एक दो डिवीजन इस तरह से भी, ठीक है। व्हाट दिस लेटाइस डज इज के इट क्रिएट्स बेसिकली अ केज, एंड इफ आई गो इनटू लेटाइस पॉइंट्स नाउ इट विल अलाउ मी टू बेसिकली इफ आई सेलेक्ट ऑल दीस पॉइंट्स W and see this, तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमें मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करता है ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू मूव। तो मैंने क्या किया, अगेन कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, योर लॉ लेटाइस पॉइंट्स, इस साइड के लेटाइस पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए, इनको थोड़ा दूर कर दिया, फिर इस साइड के सारे सेलेक्ट किए, इनको थोड़ा दूर कर दिया, फिर इस साइड के सारे सेलेक्ट किए और इनको हमने थोड़ा सा दूर कर दिया। देन वाइल दे आर सेलेक्टेड, इसकी हमने स्केलिंग को थोड़ा सा कम कर दिया 5 एंड मे बी थोड़ा सा और इधर, इसकी भी स्केलिंग ये नीचे, ठीक है। तो लेटाइस बेसिकली अलाउ करता है हमें बहुत सारी चीज़ों को बड़ी आराम से एडिट करना, मूव करना। ऑब्वियसली ये दाढ़ बहुत बड़ी हो गई, पर अंदर से किसको नजर आनी है, बाहर से यूं नहीं चाहिए ना, राइट। वेरी वेल डन, आई थिंक मेरा काम हो गया। ज़्यादा ये दो वर्टेक्स पकड़ी और इनको हमने थोड़ा सा That should do the trick. And then we select the geometry and we say edit, delete by type, delete history. That's it. Control S. And your geometry ki jo dart thi wo set hoga. Theek hai? So deformers are sometimes fantastic tools to do lots of very nice adjustments. Chale janab, ye to ho gaya yahan pe, isko in fact thoda sa mujhe modify piche bhi karna padega, but we will do that later on. Ab jo asal mehnat ka kaam hai wo ye hai ke let me select entire group, in fact not even this, just दांतों वाला group मैंने select किया, control 1, ताकि सब चीज़ें गायब हो जाएं और मैं सिर्फ दांतों के ऊपर बड़े आराम से बैठ कर काम कर सकूँ, right? तो what I will do with this thing is again I select this teeth, okay, so that means कि ये भी सारे जो दरअसल teeth हैं हमारे, इन सबको यहाँ से यूँ कर दिया select, modify में गए और मैंने center pivot कर दिया,
इससे ये होगा कि मेरे हर डॉन का पिवट पॉइंट उसके सेंटर पे आ जाएगा. तो लेट मी सेलेक्ट दैट. ठीक है, ऑब्वियसली अब ये इस बेचारे का दांत है तो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए. इसी तरह से इस दांत को भी सेलेक्ट किया, इसको भी यहाँ पे ले आए, थोड़ी सी ट्विस्टिंग सही करके रखी और इसको भी हमने मोटा करा दिया. इसी तरह से वी सेलेक्ट दिस. अब ये अगर हम वैसे नॉर्मली पूरे को सेलेक्ट करके करें तो थोड़ा सा दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं जैसे पहले दिखाया था. अब इससे एटलीस्ट ये होगा कि ये जो था थोड़ा सा आपका दांत वांत में क्लियर नज़र आते रहेंगे. ठीक है, एंड लेट्स वी गो हियर एंड थोड़ा सा इसको भी हमने टैच करो. इस तरह से इसको सेलेक्ट किया, ये भी आ गया. इसको थोड़ा स्केल हमने बड़ी कर दी. ठीक है, ये दरख्त आ गया इधर, दांत कहना है हमारा. और इसको उठाया और इसको मैंने क्या किया, स्कल्टिंग में गए, क्वेश्चन पुल में गए एंड क्वेश्चन पुल के जाके मैंने बी से रेडियस अपना छोटा किया, बल्कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया. इसको हमने ये निकाल, ठीक है. कुछ इस तरह से इतनी मुखदार नहीं करते इसको. ये एक दांत आ गया. इसी तरह से लेट मी सेलेक्ट दिस, इसको भी इधर किया, थोड़ा सा इसके भी साइज हमने बड़ी कर दी. एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये भी मेरे पास जो था इसी तरह का एक दांत है, तो इसको भी मैंने क्वेश्चन पुल में गए. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ग्रैब टूल. इससे क्या होगा कि आपके जो ग्रैबिंग है वो वर्टेक्स को पकड़ता है, ग्रैब करता है, ऊपर करके उसको उठा कर दे देता है. तो इसको हमने समझा एक और जो था वो दो इस तरह के दांत बना दिए जो आपके उसको पकड़ेंगे. ठीक है, एंड देयर वी गो, परफेक्ट. लेट मी सेलेक्ट दिस दांत, कंट्रोल डी, और इस तरह से एक और दांत इधर आ गया. इसकी थोड़ी सी हमने रोटेशन यू कर दी ताकि दिखने में ये भी ज़रा सा हमें खौफनाक सा आगे पीछे. इसकी साइज थोड़ी सी हम यू कर देते हैं, मे बी लेट मी इंक्रीज इट साइज लाइक दैट. ठीक है, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, बल्कि इसको डुप्लीकेट नहीं, नॉट इसको डुप्लीकेट, कंट्रोल डी. इसकी डुप्लीकेशन इधर आ गई एंड इसकी साइज इधर, अगेन इसकी भी साइज थोड़ी सी हमने और बड़ी कर दी एंड इसको उठा कर हमने यहाँ पे फिट. ये जो दांत था इनफैक्ट इसको उठा, चैनल बॉक्स, चैनल बॉक्स, आउटलाइनर यू प्लीज क्लोज, किसी भी क्लोज हो जाओ. W X X में जाके जो भी X की वैल्यू है उसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, उससे एक्चुअली दांत जो हमारा है वो मिरर हो गया. ठीक है, इसको यू करके हमने थोड़ा सा यू कर दिया तो ये हमारे पास उसके दांतों का सेटअप आ गया कुछ इस तरह से. ठीक है, एंड एट द सेम थिंग यहाँ पे भी वही चीज़, ग्रैब में गए हम एंड इसको भी थोड़ा उठाया और हमने ग्रैब करा के, तो ये बड़ा एक आसान सा तरीका हो जाता है दांतों को जो था या किसी भी चीज़ को बेसिकली मॉडल करने के लिए. नाउ डेज माया बड़ा ज़बरदस्त काम प्रोवाइड करती है क्योंकि मॉन्स्टर होगा तो उसके सारे के जो दांत होंगे वो शार्प होने चाहिए, तो बजाय कि मैं एक एक की वर्टेक्स बैठ के पकड़ूँ और मूव करूँ तो ये बेसिकली वही है वर्टेक्स पकड़ना पर ब्रश के साथ होता है, तो थोड़ा सा आपका काम जो है वो आपको लगता है कि आप आसानी से करो. इसीलिए यहाँ पर भी मैंने वो चीज़ कर ली एंड परफेक्ट. ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, इसको यहाँ. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. ये सीधे सीधे ना दांत आ गए इसको चबा के खाने वाले, इनके भी खैर आप चाहो तो, क्योंकि हम दांत थोड़े समय सही से दिखाने भी हैं क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन ही ओपन्स द माउथ तो उसके दांत हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से बड़े नाइस और प्यारे नज़र आने चाहिए. ठीक है, ताकि लगे कि भाई वो आदमखोर टाइप का जानवर जो है वो मौजूद है. ठीक है, ओके. अब यही चीज़ बेसिकली सारे दांतों के साथ करनी है तो बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है. अगेन एक और ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ कि मैंने क्या किया कि ये जितने बाकी दांत थे इन भाइयों को मैंने किया सेलेक्ट और डिलीट मारा, और जो ऊपर के दांत थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 क्योंकि 99% जो जबड़े उबड़े हमारे वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं,
अगर होते भी होंगे मुख्तलिफ तो मॉन्स्टर के जबड़े किसने देखे हैं पहले, ठीक है. तो व्हाट वी डू इज वी सेलेक्ट ऑल दिस टिक टिक सॉरी नॉट दिस 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 दिस, ठीक है. ये सारे मेरे पास इसके फ्रंटल जॉइंट्स आ गए, इनको हमने किया कंट्रोल सॉरी वापस इधर आ जाओ, इसको वापस हम आ जाते हैं वहाँ पे मेरे आउटलाइनर के अंदर. आउटलाइनर के जरिए आउटलाइनर आउटलाइनर विंडो एंड आउटलाइनर लेट मी ओपन दिस, ठीक है. आउटलाइनर में आया तो ये मैंने टीथ सेलेक्ट किए हुए थे, इसको हम कंट्रोल जी प्रेस कर देते हैं, मॉडिफाई सेंटर पिवट कर देते हैं. अगेन रिमेंबर ग्रुप का जो सेंटर पिवट है वो बाय डिफॉल्ट 0-0 पे आता है, तो उसको आपने पहले एक दफ़ा यहाँ पे किया. फिर इसको ये क्या थी चीज़ हमारे पास, इसको क्यों खुला हुआ, मैंने इसको बंद करो और टूल बॉक्स खोल लो, टूल बॉक्स नहीं सॉरी चैनल बॉक्स, ठीक है. हमने ग्रुप कर दिया था, इस ग्रुप का फिलहाल नाम आप जो भी रखना चाहो मैंने, क्योंकि अगेन हमने सबको मेन ग्रुप के अंदर किया था, एंड में यहाँ पर वो सबको फिर फाइनली उठा के मर्ज कर देंगे, तो रियली डजेंट मैटर कि मैं ग्रुप को क्या कर रहा हूँ. यहाँ पे आने के बाद बेसिकली मैंने इस ग्रुप को कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट करने के बाद एक्स में गया, क्योंकि देखो एक्स है तो मुझे इसी डायरेक्शन उसको मिरर करना है, तो मैं यहाँ पे आके -1 कर दूंगा एक्स में, तो आई विल गेट अ मिरर इन -1 डब्ल्यू, और इसको उठा के मैंने बेसिकली यहाँ पर, ठीक है. थोड़ा सा इधर एंड बेसिकली सी वी गेट दिस 2-3 एक्स्ट्रा टीथ, इसको दो उठा के हम डिलीट कर देते हैं, ये भी मेरा डिलीट हो जाएगा भाई. इसको उठा के फॉर एग्जांपल यू कैन मूव हियर, इसको उठा के थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे एंड सो ऑन सो फॉर्थ, राइट. चलो तो ये हमारे पास जो इसके थे सामने के दांत आ गए, बहुत अच्छी बात. और फिर वंस वी सेलेक्ट दैट अप एरो, शिफ्ट सेलेक्ट दिस ग्रुप आउटलाइनर से सेलेक्ट कर दो, या फिर मैं जो काम करते हैं हम के फॉर एग्जांपल इसमें सेलेक्ट किया और एक्चुअली सीरीज कंट्रोल जेड, ये डबल डबल हो गया राइट, ये भी डबल हो गया तो ये भी डबल हो गया, कंट्रोल जेड ग्रुप, ये अलग. अच्छा इस ग्रुप ये हुआ क्या, लेट मी डिलीट दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक. ये 10 के 10 दांत आ गए हमारे पास. अब इनको करते हैं ग्रुप मॉडिफाई सेंटर पिवट, ठीक. पिवट करने के बाद अब इस ग्रुप को कंट्रोल डी, एक्चुअली डबल ग्रुप हो गया था शायद इस वजह से, तो डुप्लीकेट दो दफ़ा हो गया या मुझसे कंट्रोल डी दब गया था जी की जगह पर, तो शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था. बहरहाल तो हमने कुछ दांत जो थे वो यहाँ पे रखे, ऑब्वियसली मुझे ये दांत नहीं चाहिए होगा, इसको सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया ताकि ग्रुप वापस आ जाए मेरे पास, और इसको उठा के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हमारे हिसाब से, राइट. तो ये हमारे पास मेरे मॉन्स्टर के दांत हैं, वो वापस आ गया. अगेन आप जितने बड़े दांत चाहो बना सकते हो, आपकी मर्जी है. दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, जो पुराने सादा इंसान वाले दांत थे हमने इसको रिसाइकिल कर दिया, आप नए से मॉडल करो शायद मन पड़ने के बाद देखिए. देन लेट्स सेलेक्ट बैराज, लेट्स दिस टू ग्रुप, कंट्रोल डी किया, ठीक है, ऊपर ले गए और कंट्रोल डी करते हुए अब ये वाई डायरेक्शन में मुझे अपसाइड डाउन करने, तो वाई डायरेक्शन में हम चले गए और यहाँ पे जाके -1 करेंगे तो सी अपसाइड डाउन हो गया, परफेक्ट. एंड इसको यहाँ पे रखा, थोड़ी सी रोटेशन इसकी एडजस्ट कर दी ताकि पीछे के दांत अंदर चले जाएँ और अंदर वाले बाहर, सामने वाले दांत थे वो बाहर आ गए, ठीक है. आई गेस यही चीज़ मैं इन दोनों ग्रुप के साथ भी करूँगा कि इनको थोड़ा सा हमने यूं करा के ताकि पीछे के दांत थोड़े अंदर चले जाएं और बाहर वाले दांत इधर और बाहर आ जाएं, ठीक है. दैट शुड डू द गुड ट्रिक, दैट्स डू द गुड ट्रिक, ठीक है. इसको सेलेक्ट किया अप एरो एंड आई थिंक इसके बाद ऑलरेडी वैसे हरकत की हुई थी, इसको थोड़ा सा इधर चलें जी. तो ये आपके बेसिकली परफेक्ट दांत हमारे पास कैरेक्टर्स के आ गए. तो वी हैव दीज फोर ग्रुप्स और बाकी सब चीज़ें, ये चचा जान भी इधर आ गया. फाइनली बचती है जबान, तो कंट्रोल वन एंड लेट मी सेलेक्ट द टंग, ठीक है. और टंग को सेलेक्ट करके अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करना चाहे, आई गेस टंग के साथ तो सादा सादा ये कि हम इसको थोड़ा सा स्केल कर देंगे एंड थोड़ा सा स्केल कर देंगे डब्ल्यू इधर प्लस 4, यस दैट शुड डू द ट्रिक. ठीक है, तो ये आपका जो बेसिकली मॉन्स्टर था वो तैयार हो गया, ठीक है. अब जो चीज़ फाइनल रहती है वो ये है कि सीधे 1, 2, 3
इन दांतों को सेलेक्ट किया, मैंने थोड़ा इधर लिया है, ये भी थोड़ा सा इधर, एंड सिमिलरली इसको भी उठाया हमने, थोड़ा इधर लिया है, इसको भी इधर, एंड सेम गोज फॉर दीज थ्री, इनको भी उठाया और हमने यहाँ पे, एंड जस्ट अरेंज द टीथ्स एज पर द फेस एंड द बॉडी. ठीक है, जैसे ये दांत रह गए थे थोड़ा सा इस तरफ हो गए, तो इनको भी गर्म कर लेते हैं. गैस ये तीनों को भी उठा के थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मसूड़ों से हमें बहुत कम मंगनी पड़े. ये चीज ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात, क्या बात. ठीक है, क्योंकि हमने इंसान वाले टीथ ही लेकर आए थे तो वो टेक्सचर्ड थे, तो ये भी ऑटोमेटिकली टेक्सचर्ड हो गए. बहुत अच्छी बात है, बात करो, जबान भी दांत भी, मेरा मॉन्स्टर जो था वो रेडी स्टडी गो हो गया. फाइनली लेट्स डू लास्ट थिंग. मैंने अगेन इन पूरे ग्रुप को किया सेलेक्ट, कंट्रोल वन अगेन, फिर जो दांत है पहले सबको सेलेक्ट करो विथ दांत एंड एवरीथिंग. ठीक है, मॉडिफाई में चले गए, सॉरी कंबाइन नहीं कर सकते हम, राइट, क्योंकि ऊपर वाला जबड़ा अलग होना है, नीचे अलग होना, ताकि जब मुंह खुले तो वो दांत हमारे पास अलग अलग नजर आए. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज के जो नीचे के जो जॉइंट्स थे इनको कंट्रोल वन कर देते हैं ताकि ये नजर आए, फिर शिफ्ट सेलेक्ट सबको सेलेक्ट किया, मैश में गए, कंबाइन कर दिए. ठीक है, इसी तरह से कंट्रोल वन, कंट्रोल वन अगेन, और जो नीचे वाले जॉइंट्स बोन्स थे इनके ग्रुप को सेलेक्ट किया, कंट्रोल वन प्रेस किया, आइसोलेट हो गए, इनको सेलेक्ट किया, मैश में गए, कंबाइन कर दिया, एंड देयर वी गो, कंट्रोल वन अगेन. ठीक है, ये जरा क्विकली मेथड है चीजों करने का, हम एक 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 सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. कंट्रोल वन बेसिकली आइसोलेट सेलेक्ट कर देता है, तो जो चीज सेलेक्ट की सिर्फ वही नजर आएगी, बाकी सब टेम्पररी हाइड हो जाती है, फिर दोबारा कंट्रोल वन प्रेस करने से आ जाती है. इस तरह जरा काम करना मेरे लिए आसान आएगा. सो बेसिकली इसको मैं नाम दे दूंगा यू अपर टीथ. ठीक है, TEETHS टीथ्स, इसको हम नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल लोअर टीथ्स, ये चीज आ गई. और उसके बाद डन, परफेक्ट. ठीक है, तो ये दोनों हो गए. इसके अगेन इनको फिर हम बाद में ग्रुप इनकी जो थी एनिमेशन के हिसाब से मैं बाद में सेट करता हूँ, बल्कि करने को तो भी हम कर सकते हैं, सबर करो. और जॉ का जो बचेगा वो अलग बचेगा. ठीक है, अगेन फिर फाइनली इन तीनों को हमने करना सेलेक्ट. और ये जो जॉ है, जॉ MUSCLE मसल, इसका नाम दे देते हैं जॉ मसल. अपर टंग, लोअर टीथ, इनको सेलेक्ट किया, एडिट में गए, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री. अगेन रिमेंबर टू डू दैट एवरीथिंग, बिकॉज सीधे से बहुत सारे एम्प्टी ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, जब हम हिस्ट्री करते हैं तो सब चीज़ें डिलीट हो जाती हैं और ये साफ सुथरा हो जाता है. तो ये चीज़ करने से क्या होगा कि आपका सीन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और बड़ा साफ सुथरा रहेगा. फाइनली टंग बचती है, टंग के साथ ही मैं हिस्ट्री डिलीट बाय टाइप और डिलीट कर दूँगा. ठीक है, अच्छा, अब जो आखिरी चीज़ रहती है वो ये है कि लोअर जॉ सेलेक्ट किया, लेट्स गो इनटू माय राइट व्यू, फोर प्रेस किया, एफ प्रेस कर देंगे, तो इसको फिर हमने पिविट पॉइंट जिसका है वो आपने क्या करना है कि कीबोर्ड से अगर मेरी इंसर्ट की किधर चली गई है, इंसर्ट प्रेस करूँ कीबोर्ड से, जब आप इंसर्ट की प्रेस करोगे तो बेसिकली आपका पिविट पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा पीछे. ठीक है, तो लेट मी मूव द पिवट ऑफ दिस एट द बैक ऑफ द जॉ हेयर. यही चीज़ मैं अपर जॉ के साथ भी करूँगा, इसका भी जो पिवट पॉइंट था वो उठा के अप्रोक्सीमेटली हम नीचे ला के रख देंगे कुछ समथिंग हेयर. इससे ये होगा कि जब आप रोटेट करोगे तो सीधे अब ये जॉ अपने इस हिसाब से रोटेट करेगी. जब लोअर जॉ अपर जॉ सेलेक्ट करोगे तो सॉरी इसकी भी रोटेशन इस तरह से हमारे पास आ जाएगी. तो इनफैक्ट इसको थोड़ा सा भी हम वापस इंसर्ट प्रेस करते हैं, इसको थोड़ा और पीछे ले जाते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट इधर, और इसी तरह से इसको भी सेलेक्ट करते हुए ऑलमोस्ट इधर. वजह ये है कि रिमेंबर इसका माउथ जो था वो बहुत ज़्यादा खुलने वाला था, जो जॉ हम सेलेक्ट करेंगे ये तो जितना ज़्यादा नीचे ले जाएंगे तो रोटेशन के हिसाब से फिर मुझे कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा. हम ये आगे इसको फिर हमें स्पॉन्टेनियसली थोड़ा सा ड्रामेटिक करनी पड़ेगी इसके ब्लेंड शेप्स, लेट्स सी हाउ इट गोस. बाकी रही टंग, टंग 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 कहाँ गई, ये रही टंग. ठीक है, तो टंग के साथ भी हरकत वही करनी है कि इसके साथ भी इंसर्ट की, कीबोर्ड से प्रेस की, पिवट पॉइंट भी इसका जो उठा के हमने बेसिकली टंग के बैक में रखना है. आई थिंक दिस इज़ द गुड प्लेस, इसके बैक पर रखते हैं. ठीक है, रोटेशन में चले गए, ये यस
इसी तरह से जब अपर जॉ में चले गए तो अपर जॉ की भी दोबारा इंसर्ट प्रेस किया मैंने, जो पिवट पॉइंट था यहाँ पे रख दिया और इसका भी जो पिवट पॉइंट था वो यहाँ पे रख दिया। सो नाउ व्हाट दैट बेसिकली मींस कि जब मैं इसको और टंग को सेलेक्ट करूँगा तो दोनों के पिवट पॉइंट साथ होंगे तो सीधे ऑलमोस्ट उनकी रोटेशन की डिग्रीज हमें परफेक्ट मिलेगी। ठीक है, दैट ये ट्रिक्स हमारे पास है। कंट्रोल एस प्रेस करते जाना, 5 प्रेस किया, आई हैव द कैरेक्टर विथ मी, परफेक्टो मंडो। देन लेट्स गो इन टू आइज। ठीक है, अच्छा ये था टीथ ग्रुप, टीथ में मॉन्स्टर, ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट की। और ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिकली मैंने मिडल माउस से, क्योंकि ग्रुप से बाहर आ गई थी तो मिडल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, टीथ मॉन्स्टर के अंदर रख दिया, ये टीथ आ गई और उसके साथ टंग का पूरा जॉ का हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। चले जी, परफेक्ट। अच्छा जो नीचे, अब जब आप टीथ मूव करोगे तो बेसिकली यू वुड फाइंड के सीधे से उसका ये वाला जबड़ा मूव नहीं कर रहा। इसके दो तरीके हैं, या तो इसके नीचे वाले पोर्शन को भी मैं कट कर दूँ और वो फिर मेरे पास इस पर ये कर लेते हैं ना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे इस ग्रुप को किया सेलेक्ट, कंट्रोल वन। एक आइडिया ये होता है कि आपने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फेसेस में चले गए और फ्रंट व्यू में जाते हुए मैंने क्या करूँगा कि जो मेरी जॉ है इसके राइट क्लिक, फेसेस, और ये सारे फेसेस हमने कर दिए सेलेक्ट। शिफ्ट ग्रो 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 करते चले गए, ग्रो करते चले गए यहाँ तक, एंड कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे तक फेसेस सेलेक्ट किए, मैश में गए और सेपरेट हम तब करते हैं जब दो ज्योमेट्रीज आपस में कंबाइन हो। यहाँ पे एक्चुअली मेरे हिसाब से डिटैच होगा, रिज डिटैच होगा शायद, राइट? लेट्स बी ट्राई डिटैच। ठीक है, सो इफ आई डू दैट नाउ, या देखा ये ज्योमेट्री आपकी बेसिकली डिटैच हो गई, राइट क्लिक, ये अलग क्या हुआ? अच्छा सॉरी, नहीं कंट्रोल जेड, डिटैच को वापस मैंने अंडू कर दिया, यहाँ से हिस्ट्री गायब हो गई, ये कनेक्टेड है। एक्चुअली डिटैच उसको फेसेस को अलग कर देता है बट ऑब्जेक्ट एक ही रहता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज के मैं डिटैच, एक्सट्रूड, मर्ज, स्प्लिट, एवरेज वर्टेक्स, डुप्लीकेट, एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, हिट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट क्या करेगा बेसिकली कि नाउ आपके ऊपर वाली ज्योमेट्री अलग हो गई, नीचे वाली अलग हो गई। नाउ वन अदर थिंग आई कैन डू इज कि मैं इस ज्योमेट्री को सेलेक्ट करूँ, ऊपर वाले दांतों को सेलेक्ट करूँ, मैश में जाके कंबाइन कर दूँ, कंबाइन, नीचे वाले चीज को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, मैश में गए, कंबाइन। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किया, अगेन अभी देखो इसके कुछ एक्स्ट्रा नोड्स होंगी, डिलीट बट टाइप हिस्ट्री कर देंगे हम, ये चीज़ करते रहना ताकि दोनों क्लीन हो जाए। ठीक है, अब ये जो जबान वाली थी नोड, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, टीथ मॉन्स्टर, इस पर भी मैं आता हूँ। फंटास्टिक, फिर डब्ल्यू प्रेस किया, पिविट पॉइंट ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट का नया बन जाता है, पहले मॉडिफाई सेंटर पिविट करना लाजमी है, फिर वापस इंसर्ट की प्रेस करते हुए पिविट पॉइंट इसका भी मैं जबान के पीछे ले आया, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मॉडिफाई सेंटर पिविट, एंड देन इसका भी पिविट पॉइंट सेम पॉइंट पर हम लेकर आ गए, ताकि जब इसको मूव करूँ तो दिस मूव्स टुगेदर, इसको मूव करूँ ताकि ये जो नीचे वाला हिस्सा था ये भी टुगेदर मूव हो जाए। इसको हमने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल लोअर टीथ जॉ, और ये मेरे पास आ जाएगा अपर टीथ जॉ। ठीक है, और फिर टंग आ गए, इन दोनों भाइयों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ले गए एंड फाइनली यहाँ पे, तो ये दोनों मेरे साथ आ गए। इन सबको सेलेक्ट करते हुए अगेन मेक श्योर यू डिलीट बट टाइप हिस्ट्री डिलीट कर दें, कंट्रोल वन, दैट शुड डू द ट्रिक। सो इफ आई कम हियर पर्सपेक्टिव, तब जब मैं लोअर टीथ सेलेक्ट करेंगे हम तो उसके रोटेशन पे गए तो ये एक्चुअली दोनों पूरा जबड़ा एक साथ मूव करेगा। ठीक है, ये भी ट्रिक है, समटाइम्स हम इसको ब्लेंड शेप्स के साथ कनेक्ट करा देते हैं, बट एक साथ ही हो गया तो बेसिकली मुझे इस चीज़ का टेंशन खत्म हो गया। टंग को मैंने अलग रखा है, इवन टू सर्टेन एक्सटेंड टंग को भी एक साथ अटैच कर देते हैं ताकि जबान भी आपकी बेसिकली करती हिलती रहे। लेट्स सी हाउ मॉन्स्टर गोज, बट यू कैन कंट्रोल इट। फाइनली वेरी क्विकली आइस को